कहते हैं करप्शन की जिसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि अब इन जड़ों पर नकेल कस पाना संभव नहीं लग रहा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के पूर्व सांसद ने सरकार को सलाह दी है। ये सलाह है उन भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर जो अपने घर भर रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद का कहना है कि ऐसे तत्वों के चलते विकास में अड़चन आती है और जनता परेशान होती है, इसीलिए ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। उधर इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। इस तस्वीर को देखिए, ये विकास वाली सड़क की तस्वीर है जो विकास की पोल खुद खोल रही है। विकास कार्यों में निगरानी की कमी और करप्शन की वजह से इस तरह के काम हो रहे हैं। ये सड़क राजधानी भोपाल की बैरसिया तहसील की है, यानी जहां पूरा महकमा बैठता है उसकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। जब वीडियो वायरल हुआ तो लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि इसकी जांच कराई जाएगी। उधर करप्शन को लेकर पूर्व बीजेपी सांसद रघुनंदन शर्मा ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। इसको लेकर रघुनंदन शर्मा ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सलाह भी दी है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि प्रशासन में कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर भर रहे हैं, ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने अपनी प्रार्थना, अपने हृदय के विचार उनको व्यक्त किए कि काफी समय से मध्य प्रदेश शासन में ऐसे जो लोग हैं जो स्वार्थ के कारण अपनी मनचाही जगह बैठे हैं, अपने घर भर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, सामान्य जन की सेवा करने के बजाय उनसे सेवा ले रहे हैं, ऐसे सब लोगों को ठीक से परख कर उस अशुद्ध तत्व को बाहर करने की आवश्यकता है। जयवर्धन सिंह ने बीजेपी नेता रघुनंदन शर्मा के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के बयान पर कहा कि ये केवल अकेले रघुनंदन शर्मा की पीड़ा नहीं है, बीजेपी का कार्यकर्ता परेशान है क्योंकि अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। इनकी पीड़ा नहीं है, ये भाजपा के एक एक कार्यकर्ता की पीड़ा भी है, क्योंकि भाजपा के अब ये चौथी टर्म लगभग आ गई है। सीएम साहब को तो पहली बार मौका मिला है सीएम के रूप में, लेकिन आज भी एक प्रकार से जो अहंकार प्रशासन में आ गया है, एक विधायक की या पूर्व विधायक की जो सुनवाई होनी चाहिए है, प्रशासन को तत्काल विधायक के कहने पर जो कार्रवाई करनी चाहिए है वो कहीं पर नहीं हो रही है। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हर योजना में जमीन पर भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होती जा रही है। हर योजना विकास कार्यों में आए दिन इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार अगले 4.5 साल के लिए हर विधानसभा क्षेत्र का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कराएगी। इस विजन डॉक्यूमेंट में हर विधानसभा इलाके में 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को शामिल किया जाएगा। इसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विधायकों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें। विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे और इसके लिए 60 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी, 40 करोड़ रुपए विधायक निधि से मिलेंगे। उधर इस मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी विधायकों को अपने विधानसभा के विकास का रोड मैप तैयार करने और 100 करोड़ रुपए दिए जाने पर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बीजेपी पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले भी बीजेपी विधायकों को पैसे दिए गए थे और उस समय कांग्रेस विधायकों के विकास के लिए, जो कांग्रेस विधायकों ने जो विकास के लिए पैसे मांगे वो नहीं दिए गए। वही उन्होंने 100 करोड़ रुपए दिए जाने की बात को हवा हवाई करार दिया है। था कि ये पक्षपात हो रहा है बड़े स्तर पे। कुछ महीने पहले ही ये खबर भी सामने आई थी कि एक एक भाजपा के विधायक या सांसद के अनुशंसा पर 5-10 करोड़ रुपए हर जनपद में दिए जा रहे थे सरपंचों को, हमने भी मांग रखी थी। ये तो अभी हवा में बात कर रहे हैं। हर एक 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 रोड अगर आप देखें तो अनेकों ऐसी सड़कें हैं MPRDC में जो आती हैं, इसकी लागत ही होती है 120-180 करोड़ की, तो एक काम हो गया, लेकिन ऐसे अनेकों काम चल रहे हैं, इसका पहले कार्यान्वयन ठीक से हो जाए। तो मध्य प्रदेश और अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में तेज बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। कहीं बाढ़ के हालात बन गए हैं तो कहीं बारिश से सड़कें तालाब बन चुकी हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस कदर बारिश ने कहर बरपा रखा है।
कटनी में भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया, इसकी वजह से वहां एक स्कूल बस खराब होने की खबर आई। बस पानी में आधे से ज्यादा डूबी भी दिखाई दी। बस पानी के बीचों बीच जब खराब हुई तो उसमें स्कूल के बच्चे भी सवार थे। इधर हरदा में जमकर बारिश हुई, इसकी वजह से यहां गंजाल नदी में उफान आ गया। नदी पर पुल ना होने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आए। मनेन्द्रगढ़ से अंबिकापुर जाने वाले नेशनल हाईवे पर तेज बारिश के बाद पानी भर गया, इसकी वजह से वहां से आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानियां हो रही हैं। स्कूटर और मोटरसाइकिल से चलने वाले लोग जान जोखिम में डालकर यहां से गुजरने के लिए मजबूर हैं। ये तीन तस्वीरें। मनेन्द्रगढ़ से अंबिकापुर जाने वाले नेशनल हाईवे पर तेज बारिश के बाद पानी भर गया और इसके चलते वहां से आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल और मोटरसाइकिल से चलने वाले लोग जान जोखिम में डालकर यहां से गुजरते नजर आए। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बारिश के चलते हालात बने। शहडोल, कोरबा, डिंडौरी की ये तस्वीरें हैं, बच्चे किस तरह से स्कूल जा रहे हैं। ये सीएम राइज स्कूल का हाल है। कोरबा की आप तस्वीरें देख रहे हैं, लबालब पानी भरा होने के चलते लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। बावजूद इसके जो सरकारी दफ्तर है वहां पानी घुसा हुआ है। बारिश के बाद स्कूल बने तालाब, जर्जर स्कूल कैसे हो पढ़ाई, सड़क के लिए सड़क पर जाम। बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत दिख रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बारिश की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। नदी नाले उफान पर हैं, कहीं लोग खुश दिख रहे हैं तो कहीं परेशान। बारिश के बीच स्कूल तालाब में तब्दील हो गए हैं। यकीन नहीं हो रहा तो शहडोल से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये स्कूल का परिसर है जो तालाब में तब्दील हो गया है। इसी तालाब से होकर बच्चे टीचर निकलते हैं। ये हालात बुढ़ार ब्लॉक के सीएम राय स्कूल के हैं, जहां महज एक घंटे की बारिश में स्कूल तालाब में तब्दील हो गया। तेज बारिश होती है तो हमारे विद्यालय में जो पानी भर रहा है वो पानी जो है बाहर सड़क और नालियों का पानी ही मेन गेट से अंदर घुस रहा है। हमने तो पूरी व्यवस्था कर रखी है विद्यालय की कि नालियों के द्वारा जो बारिश का पानी है वो निकल जाए, किंतु अभी कुछ दिनों से नाली का पानी और बाहर के बारिश रोड का पानी विद्यालय में घुस रहा, उसके कारण हमारी क्लासेस अव्यवस्थित हो गई। आदिवासी विकास विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि पुरानी बिल्डिंग में स्कूल चल रहा है, जल्द ही नई बिल्डिंग में स्कूल शिफ्ट होने के बाद इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सीएम राइज की नई बिल्डिंग एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो पुराना एग्जिस्टिंग स्कूल था उत्कृष्ट विद्यालय उसी में सीएम राइज हम लोग चला रहे हैं और ये बिल्डिंग एक दो साल डेढ़ साल में बन के तैयार हो जाएगी। इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, पर अभी जो प्रॉब्लम है दैट इज सीवियर प्रॉब्लम, तो इसके लिए इंस्टेंट इसके रिड्रेसल के लिए बीओ को मैं कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको कोरबा जिले के एक सरकारी स्कूल का हाल दिखाते हैं। जर्जर हो चुकी ये बिल्डिंग, कब गिर जाए कुछ नहीं पता, लेकिन इसमें स्कूल चल रहा है, बच्चों की जान खतरे में है, लेकिन जिम्मेदार बेखबर है। गुस्साए ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर इसकी शिकायत की। उधर